हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। बेटा, आप लोगों को क्विज मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है? ओपन भी कर दिया आप लोगों के लिए। ओके ये 40 पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और 30 मिनट का ये क्विज है फॉर 10th तक। और जिस तरह से आप लोगों का पहला क्वेश्चन था, उसी तरह से सिक्वेंशियल है। सेकेंडली ये कि इसमें आपके पास कुछ जो रिटर्न टाइप है, उसके लिए आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? एंड रिटर्न आप अपना रजिस्टर वगैरह लेके उसके ऊपर लिख के क्या करेंगे कि आप जो भी पिक्चर्स उसकी उससे रजिस्टर पे लिखने के बाद आप उसकी पिक्चर्स लेंगे और पिक्चर को एक वर्ड की फाइल में अटैच कर देंगे, ठीक है? और वो वर्ड की फाइल अपलोड कर देंगे। क्लियर है सबको ये बात? ओके मिस। अगर वर्ड की फाइल के अलावा किसी ने डायरेक्टली पिक्चर्स अपलोड की, वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। मैं ये भी बात क्लियरली बता रही हूँ आप लोगों को। मिस आपकी आवाज कट गई थी, कुड यू रिपीट? मिस एक और बार बता दें। मैं बताती हूँ आप लोगों को, भी इनफैक्ट डेमो करके दे देती हूँ। अभी है 8 मिनट। आपके पास स्क्रीन शो हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना एक मैंने वर्ड की फाइल क्रिएट की, ठीक है? ये मेरा क्या है, एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, आप इसके बाहर भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? जैसे आपका ये क्वेश्चन की जो है, जिस भी टाइप का आपका क्वेश्चन आ रहा है, XYZ, ठीक है? XYZ आपके पास जब सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन का नेम दे दिया आपने XYZ, एंड देन आप जो है यहाँ पे आपने अपनी तमाम की तमाम पिक्चर्स को, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप ये मेरी पिक्चर है, मैं सिंपली आप लोगों को एक पिक्चर लेके बता रही हूँ, ठीक है? आपने अपने रजिस्टर में जो है अपना काम सॉल्व कर लिया। आपने उसके बाद क्या किया है, इसकी पिक्चर ले ली है। और आपने उस पिक्चर के क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कोई भी मैंने अपने रजिस्टर की पिक्चर में कैसे देख सकती हूँ, इसलिए एक समय ने रजिस्टर पे काम किया और मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर अपलोड कर दी। ये यानी कि मेरे पास पहला क्वेश्चन था, ठीक है? यानी कि उसका पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया, एंड देन मुझे आगे कंटिन्यू इसको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो मैं इसके कंटिन्यू पे जाके अगेन पिक्चर ले रही हूँ, एंड देन स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम पिक्चर्स अपलोड करनी है। ऐसे क्लियर है ये बात बच्चों? एंड देन यस आपने मिस। इसको सेव करके फाइल को अपलोड कर देंगे। मैम रिपीट अगेन। मैं ये बता रही हूँ बच्चों कि आप लोगों के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोग फाइल अटैच कर सकते हैं, ठीक है? फाइल अटैच कैसे करनी है, आपने एक वर्ड की फाइल क्रिएट कीजिएगा। फाइल क्रिएट करने के बाद जो है आपने उसका नेम दे देना, कोई भी नेम। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है कि आपने इस मेथड को इस स्केजुअल एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना है, कौन सा स्केजुअल एल्गोरिथम है, आप बेशक उस क्वेश्चन को वहां पे नेम दे दें, बेशक ना भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आपने क्या करना है, एटलीस्ट अंदर आपने यहाँ पे करके बता देना है
ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है? ऊपर टॉप पे आपने यहाँ पे अपने क्वेश्चन का नेम लिख देना है कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ताकि मुझे पता चलेगा आपने सॉल्व उसी क्वेश्चन को किया है, ठीक है? वो बेशक आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। देन आपने जो भी क्वेश्चन अपना सॉल्व किया होगा हार्ड कॉपी में, ठीक है, अपने रजिस्टर के ऊपर, तो आपने क्या करना है कि उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको अपने मोबाइल से पिक्चर्स लेके आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस तरह से आपने पिक्चर्स अपलोड कर दी एंड देन आपने इसको सेव करके ये वर्ड की फाइल मुझे सेंड करनी है। मैं किसी की अलग सेपरेट पिक्चर जिप फाइल में ना देखूं। क्लियर है ये बात? जी मिस। वैसे आप लोगों का आफ्टर 4 मिनट आप लोगों का कोई स्टार्ट हो जाएगा। किसी और को कोई इश्यू, कोई मसला? जो हम लोगों का आप लोगों ने लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा था कोई उसी में से आया, मैं आपको ये बता दूं। मिस क्वेश्चंस कितने होंगे बेटा, देख लीजिएगा अभी 3 मिनट के बाद अपलोड अभी हो जाएगा शो आप लोगों को, ठीक है? अब तक किसी को अगर पैटर्न समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपने किस तरह से, अगर मुझे किसी ने अलग से वो सेपरेट पिक्चर सेंड की या कुछ इस तरह से जिप फाइल सेंड की, मैं वहीं पे डायरेक्टली उसके 0 मार्क्स लगा दूंगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगा वो। क्या कहते हैं, अभी मेरे घर पे 4 बजे लाइट चली जाएगी, तो वर्ड की फाइल अगर सेव नहीं होती तो क्या होगा फिर? बेटा आपका लैपटॉप आप चार्ज कर ले और 10 मिनट के लिए आप अपना मोबाइल यूज कर ले, मोबाइल का इंटरनेट यूज कर ले। समझ में आ रही है बात? अल्टरनेट में मिस पीडीएफ फाइल तो नहीं करनी ना? नहीं बेटा, वर्ड की फाइल। ओके, जो मैंने आपके सामने बनाया इसी तरह से आपने फाइल सेंड करनी है, ठीक है? आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप उसकी एक वर्डिंग में बता सकते हैं ना, इस क्वेश्चन में मेनली क्या चीज फाइंड आउट करनी है, किस मेथड से सॉल्व करना है, तो बस आप ऊपर टॉप पे वो लिख दीजिएगा। आप लोगों के अटेंडेंस में आप लोगों की कोई से लगा लूंगी, ठीक है? जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के अटेंडेंस मार्क की थी बिल्कुल उसी टाइम से, जो जो अटेम्प्ट करेगा उस सबके अटेंडेंस लगा दूंगी मैं। बस 2 मिनट रहेंगे आपको, 2 मिनट आपका और 30 मिनट का ये क्विज है बेटा, और सिक्वेंशियल है। अगेन मैं बता दूँ सिक्वेंशियल क्विज है, एक दफा फॉरवर्ड हो गया तो आप बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। आपके पास शो हो रहा है बच्चों क्विज? जी मिस।
किसी का कोई क्वेश्चन है या यहाँ पे सेशन एंड कर दूंगा, आप लोग कुछ कर लेंगे या ऑनलाइन है हम लोग साथ? अगर कुछ नहीं तो मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करूंगी बिल्कुल भी। मैम मेरी अटेंडेंस का इशू था, लास्ट क्लास में मेरी लगी नहीं थी, जो आपने दो कंसेक्यूटिव क्लासेस एक साथ ली थी ना, उसमें मेरी अटेंडेंस लगी नहीं थी, मेरे पास शो नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी मिस, सेशन लीव कर दे। मैम क्वेश्चन सेशन लीव कर दे। जी बेटा सेशन लीव कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है कुछ नहीं है तो मैं सेशन लीव कर देती हूँ, ठीक है? कोई क्वेश्चन है किसी का? बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर ऐसे हम लोग जो अपना सेशन लीव करते हैं, ठीक है?
आप लोग सॉल्व करके अपलोड कर दीजिएगा, उसी पे मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगी आप लोगों की। अल्लाह हाफिज़।